मध्य प्रदेश की राजधानी से सुबह के 4 बजे जो घटना सामने आई उससे मध्य प्रदेश हिल गया। भोपाल की छोटी झील के खाटलपुरा घाट में दो नाव उस वक्त पलट गई जब यह गणेश जी का विसर्जन कर रहे थे। दोनों नाव में 19 लोग सवार थे जिसमें 11 लोगों की मौत की दुखद खबर है। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें कैसे लोग आंखों के सामने पानी में डूब रहे हैं और हमारी आंखों के सामने इन नवयुवकों का दम निकल रहा है। SDRF की टीम के गोताखोरों ने 6 जानों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया है जबकि 2 व्यक्ति अभी भी इसी झील के गहरे पानी में लापता हैं। और कुछ बॉडीज और बता रहे लोग हैं उनको हम निकालने में पूरी टीम लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि हम उनको रिट्रीव करने में निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी तो हमारा लक्ष्य ये है कि जितने लोग अभी पानी के अंदर हैं उनको ससम्मान निकालें और उनके परिजनों को सौंपें। तो 11 डेड बॉडीज अभी तक निकाली जा चुकी हैं और नगर निगम, होमगार्ड्स, SDRF, NDRF, पुलिस सभी मुश्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि हम इस जो लक्ष्य हमारा भी है इसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह सभी 19 लोग नव युवक थे। आप लाइव वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक छोटी सी नाव में विशाल गणेश जी की प्रतिमा है और सुबह के 4 बजे जब प्रशासन और कम रोशनी थी उस वक्त यह गणेश जी का विसर्जन कर रहे थे। अचानक गणेश जी का विसर्जन करने के बाद एक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई जबकि दूसरी नाव भी उससे बंधी थी। ऐसे में दोनों नाव पलटने से उनमें सवार 19 लोग गहरे पानी में चले गए जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर है। सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। विपक्ष और सरकार के कई नेता हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे, मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। इस घटना से पूरा प्रदेश हिल गया। अब इसमें किसकी लापरवाही है, कैसे यह हादसा हुआ, सरकार ने इस मामले में जुडिशियल जांच की घोषणा की है। अब यह जांच के बाद ही पता लगेगा कि इस बड़े हादसे में किसकी लापरवाही है और प्रशासन कहां चूक कर गया। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।